हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं, एक वीडियो है दैट इज नरेंद्र मोदी इन आपकी अदालत। हमने इससे पहले पार्ट वन पर ऑलरेडी रिएक्शन दिया है। सो पार्ट वन में काफ़ी चीज़ें जो हैं उनके बारे में हमें जानने को मिली थी, तो पार्ट टू में अभी हम देखेंगे कि और क्या क्या है उनके बारे में जानने के लिए, क्योंकि राजनीति से पहले, इलेक्शन से पहले, पीएम बनने से पहले उनकी थॉट कैसी थी और आज के टाइम में 6 साल के बाद उन्होंने क्या क्या उन चीज़ों पर अमल किया है। सो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं। सो बिना देरी के चलते इस वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, और सब्सक्राइब के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन पर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और वक्फे वक्फे से आप चैनल को भी चेक कर लिया करें, क्योंकि सम टाइम नोटिफिकेशन नहीं भी मिल रहे होते तो इस तरह से आप वीडियो देख सकेंगे। सो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स स्टार्ट। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। आपकी अदालत में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर इल्जाम है कि ये देश को बांटने की राजनीति करते हैं। 12 साल से आप पर इल्जाम लग रहे हैं, बहुत लंबी रिसर्च है, लेकिन मैं वो पूछ रहा हूं जो आजकल ताजा ताजा इल्जाम लग रहे हैं। राहुल गांधी ने आज ही कहा नरेंद्र मोदी पीएम बनना चाहता है, इसके लिए वो कुछ भी करेगा, वो टुकड़े टुकड़े कर देगा, एक को दूसरे से लड़ा देगा। मैं समझता हूँ ये टुकड़े टुकड़े वाला मामला है, ये उत्तर प्रदेश से लाए हैं वो उन्हीं के पार्टी का ये एमपी का उम्मीदवार है, शायद ये टुकड़े टुकड़े वाला मामला उसी नहीं, से उन्होंने तो कहा था, इमरान कुरैशी ने तो कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी यूपी में आएंगे तो बोटी बोटी काट देंगे। हाँ, वो बोटी बोटी टुकड़े टुकड़े होता है तो शायद वो उन्हीं के इन्फ्लुएंस में बोलते होंगे। कांग्रेस के इतिहास की तरफ देखें, अब देश को तय करना है कि उनके टैप रिकॉर्ड सुनने हैं कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखना है। ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है, इस देश में सबसे पहले शासन किसके हाथ में आया, कांग्रेस के हाथ में। भारत के टुकड़े किसने किए, उन्होंने किए। वंदे मातरम उसके टुकड़े किसने किए, हमारे देश में जातिवाद का जहर किसने फैलाया। 1857 का स्वतंत्र संग्राम इस देश का हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा था, देश आजाद होते ही ये तनाव ये बिखराव किसने पैदा किया। और इसलिए जो पाप डिविजिव कांग्रेस है, इतना ही नहीं वो इतने नीचे गए, देश को कैसे तोड़ा जाता है। जो 2 दिन से डिबेट चल रही है और मैं फौजियों के इंटरव्यू जब टीवी पे देख रहा था इन दिनों, उनकी पीड़ा में अनुभव करता था। भारत सरकार ने पहली बार फौज में ये पूछा कि आपके यहाँ हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं। ये हमारा सद्भाग्य है कि फौज ने इनकार किया कि फौज में सब हिंदुस्तानी होते हैं या हिंदू और मुसलमान की गिनती नहीं होगी। मना कर दिया। ये जरा अपने गरीबान में देखे, डिविजिव पॉलिटिक्स कौन करता है, देश के टुकड़े कौन कर रहा है। हम तो जब मैं गुजरात गया, पहली बार राजनीति में टर्मिनोलॉजी शुरू हुई है, जब तो काफ़ी लोग उपयोग करते हैं। मैं गुजरात में एक ही भाषा बोलता था 2001-2 में जब गया, मेरे 5 करोड़ गुजराती। आज भी मुझे सुनते होंगे तो मैं 125 करोड़ हिंदुस्तानी वही से बोलता हूँ, ये भाई, डिकना भाई, फलाना भाई,
ये पूरी टर्मिनोलॉजी को खत्म करने का मैंने प्रयास किया है और धीरे धीरे हर एक राज्य के मुखिया अपने राज्य की पूरी पॉपुलेशन बोलते हैं। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपने कांग्रेस की काफी धुलाई कर दी। उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री है जम्मू कश्मीर के, उनकी बात आपको बताता हूं और बड़ा उन्होंने गंभीर चार्ज लगाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पंजाब गए, वहां सरदारों की दस्तार कबूल की। अरुणाचल प्रदेश गए, उनकी टोपी कबूल की। असम गए तो उनकी वेशभूषा कबूल की, लेकिन जब इमाम साहब ने टोपी पहनाने की कोशिश की तो लौटा दिया, इनकार कर दिया। मैंने अब तक गांधी जी को ऐसी कोई टोपी पहना हुआ देखा नहीं है। मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस प्रकार की टोपी पहन करके फोटो निकाला हुआ कभी देखा नहीं है। मैंने पंडित नेहरू को भी कभी इस प्रकार की टोपी पहना हुआ देखा नहीं है। तो ये एक भारत की राजनीति में विकृति आई है, और विकृति आई है कि अपीजमेंट के लिए कुछ भी करो। मैं मानता हूं मेरा काम है सब संप्रदाय का सम्मान करना, सब परंपरा का सम्मान करना, पर मेरी जो परंपरा है उसको मुझे स्वीकार करना। तो मैं मेरी परंपराओं को लेकर के जीता हूं, हर एक की परंपरा का सम्मान करता हूं, और इसलिए मैं ये टोपी पहन करके फोटो निकाल करके लोगों की आंख में धूल झोंकने का पाप मैं नहीं कर सकता। लेकिन कोई अगर किसी की टोपी उछालता है तो उसको कड़ी की कड़ी सजा करने का मैं मन रखता हूं। वो टोपी किसी भी संप्रदाय की क्यों ना हो, वो पगड़ी किसी परंपरा की क्यों ना हो, उसको अगर कोई उछालता है तो उछालने वाले पर कड़ी से कड़ी सजा हो, ये जिम्मा शासन में बैठे हुए व्यक्ति का होता है और उसमें मैं प्रतिबद्ध हूं। क्या बात है। लेकिन मोदी जी, नीतीश जी ने एक बार कहा था कि जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं, पब्लिक लाइफ में होते हैं, तो कभी तिलक लगाना पड़ता है, कभी टोपी पहननी पड़ती है, दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखना पड़ता है। उनको लगता है कि ऐसा करने से भावनाएं संभल जाती हैं, वो ये करें। मुझे लगता है कि उनके बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, उनके हाथ में भले कुरान हो उनके हाथ में कंप्यूटर भी होना चाहिए। ये मेरी सोच है, तो उनकी सोच उनको मुबारक, मेरी सोच मुझे मुबारक। देखिए, आपकी सोच का और आपके शब्दों के चयन का क्या हाल होता है उसका मैं आपका उदाहरण देता हूं। आजम खान साहब उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कहा आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया हो, कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने कहा था। मैं कभी ऐसा ना सोच सकता हूं ना मैं बोल सकता। देखिए, वो जो एक इंटरव्यू मेरे पास में है जो आपने दिया था, उस इंटरव्यू में आपने कहा ये। मैं बता देता हूं, हमारे यहाँ देखिए हेडलाइन छपी हुई है, जी जी, हम इंसान हैं, कुत्ते का बच्चा भी कार के नीचे आ जाए तो दुख होता है। हाँ, लेकिन उसमें किसी को कहाँ कहा है भाई। मुजरिम मैं हूँ, लेकिन मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, इसको दोबारा पढ़िए आप। मैं पूरा पढ़ देता हूँ, ऊपर वाला पहले पढ़ लीजिए। ऊपर तो है, हम इंसान है, कुत्ते का बच्चा भी कार के नीचे आ जाए तो दुख होता है, ये तो हमारे यहाँ। लेकिन आप पूरी बात तो सुनने दीजिए ना। हाँ, मैं आपको पूरी बात। आपसे पूछा गया सवाल, 2002 में जो हुआ उस पर आपको अफसोस है? तो आपने कहा भारत का सुप्रीम कोर्ट दुनिया में अच्छी अदालत के तौर पर जाना जाता है, इसकी रिपोर्ट में मुझे पूरी तरह क्लीन चिट दी गई। इससे अलग एक बात, ये कोई भी व्यक्ति जो कार ड्राइव कर रहा हो और हम पीछे बैठे हों, कुत्ते का एक छोटा बच्चा पहिए के नीचे आ जाए तो दुख होगा कि नहीं? जरूर दुख होगा। मैं मुख्यमंत्री हूं या नहीं, लेकिन मैं एक इंसान हूं। सही बोल रहे हैं। हमारे देश में ऐसा कहते हैं कोई भी, अरे भाई चींटी मर जाए तो भी पीड़ा होती है, चींटी मर जाए तो भी पीड़ा होती है। ये आपकी संवेदना की तीव्रता को व्यक्त करने के लिए मुहावरे होते हैं। उसको अगर कोई ये कहे
कि आपने इंसान को चीटी कह दिया, तो मैं समझता हूं इस प्रकार का इंटरप्रिटेशन करने वालों का प्रॉब्लम है। दूसरा, जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था, जब हिंदुस्तान के कुछ मीडिया के मित्रों ने इसको उछाल दिया, जिसने इंटरव्यू लिया था वो विदेशी होने के बावजूद भी उसने ट्वीट किया कि मोदी ने ना ऐसा कहा है ना हमने ऐसा समझा है, ये गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है। यानी इंटरव्यू लेने वाला एक फॉरेनर भी मेरी संवेदना को समझ पाया। लेकिन जो न्यूज ट्रेडर्स हैं, मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मीडिया तो बहुत अच्छा है, मीडिया की ताकत बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे मीडिया के खिलाफ कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो न्यूज ट्रेडर्स है, ये न्यूज ट्रेडर के लिए माल बेचने के लिए काम आता है तो उपयोग करते हैं। लेकिन आजम खां का जो आज का बयान है वो आपको बताता हूं, उन्होंने कहा कि एक कुत्ते का बच्चा मोटर के पहिए के नीचे आ जाए तो गम जरूर होता है, हमें तुम्हारा गम नहीं चाहिए। बड़े भाई, कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी, हमें तुम्हारा गम नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि शायद वफादारी में कुत्ते से बढ़कर के कोई होता नहीं। और मुझे गर्व है, मुझे इस बात का गर्व है कि मुझमें इस वफादारी के गुण किसी ने देखे हैं जो मेरे देश के काम आएंगे। लेकिन एक सच ये है कि भारत के प्रधानमंत्री ने, मनमोहन सिंह जी ने, उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बन गया तो देश के लिए डिजास्टर्स होगा। शायद उनकी खुद की पार्टी ने फिर बाद में ये कहा कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उनके कैबिनेट मंत्रियों ने भी कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और मैं समझता हूं उसके बाद उन्होंने बोलना बंद किया है। उन्होंने तो लोगों को याद दिलाया था कि अहमदाबाद की सड़कों पर कत्लेआम हुआ जिस आदमी के राज में, उसका अगर प्रधानमंत्री पद मिल गया तो देश के लिए नुकसान हो जाएगा। उनको यह भी याद रहना चाहिए था कि 2002 के सितंबर में अक्षरधाम पर हमला हुआ, मंदिर के अंदर दशकों लोग मारे गए, लेकिन गुजरात पूर्ण शांत रहा। उनको ये भी पता होना चाहिए कि गुजरात में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, काफ़ी लोग मारे गए थे, अस्पताल में लोग मारे गए थे, उसके बाद भी गुजरात शांत रहा। जहां गुजरात में क्रिकेट के मैच पर दंगे होते थे, जहां गुजरात में पतंग चगाने में दंगे होते थे, वो गुजरात आज 12 साल हो गया कर्फ्यू किस चीज़ को कहते हैं वहाँ के बच्चों को मालूम नहीं है। ये शांति, और आज गुजरात ने जो विकास किया है, प्रगति की है, उसका मूल कारण है गुजरात की शांति, गुजरात की एकता, गुजरात का भाईचारा, गुजरात की सद्भावना। वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है जिसके आधार पर गुजरात आगे बढ़ा है। देश भी, अगर देश को आगे बढ़ना है तो शांति, एकता, भाईचारा, सद्भावना, इन गुणों को जितना हम बढ़ावा देंगे, देश को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कैटलिक एजेंट का वो रोल प्ले करेगा। मैं आपकी ये बात मान लेता हूं, और आपके विरोधी भी इस बात को मानते हैं कि 12 साल से गुजरात में दंगे नहीं हुए, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आपकी अदालत में आए तो उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे वो मोदी ने करवाए थे। मैं नहीं जानता हूं कि उनको रात को नींद आती है कि नहीं आती है, क्योंकि वो काफी परेशान है। अभी तो मैं 5-6 बार उत्तर प्रदेश गया हूं, तो उनकी मुसीबत मैं समझ सकता हूं, और इसलिए उनको दिन में भी मोदी याद आते हैं, रात में भी मोदी आते हैं। वो शेर की चर्चा करते हैं तब भी उनको मोदी याद आते हैं, वो लैपटॉप की चर्चा करते हैं तो भी उनको मोदी याद आते हैं, तब उनको वो हर जगह पे मोदी दिखते हैं, तो उनकी कठिनाई है। हम जनता से पूछते हैं, जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं।
एक एक करके। सर मैं सर से जानना चाहती हूँ कि यदि सर की सरकार बनती है तो जो क्रिश्चियन भाई हैं हमारे, क्या उनको ये विश्वास दिला सकते हैं कि उनके चर्च तोड़े नहीं जाएंगे? ऐसा तो कभी हुआ नहीं, कभी सुना नहीं हमने। चलाए नहीं जाएंगे सर? ऐसा न सुना है न कभी हमने। नहीं, वो एक आश्वासन चाहते हैं, शायद उनके मन की सेफ्टी का आश्वासन चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक तो ऐसा मैंने कहीं सुना नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, गुजरात के अंदर दुनिया की सबसे छोटी माइक्रो माइनॉरिटी है पारसी। उन पारसी का उदवाड़ा में तीर्थ क्षेत्र है। हमारी सरकार आने के बाद और उसको ग्लोबली, और मैंने तो कहा ये रिलीजियस हार्मनी का वर्ल्ड कैपिटल बन सकता है, ऐसा बनाने में मैं लगा हुआ हूं। पारसी का स्थान है और इसलिए भारत के जहन में नहीं है। भारत के हजारों वर्ष का इतिहास देखिए, कभी तलवार लेकर के किसी के धर्म पर आक्रमण नहीं किया है। सही कह रहे हैं। हमारा देश ऐसा है जो कहता है इसका भगवान, उसका भगवान, उसका भगवान, ये हमारी सोच नहीं है। हमारे देश की सोच है ईश्वर एक है और उसे प्राप्त करने के रास्ते अलग अलग है। यस सर। और सभी रास्ते ईश्वर के पास ले जाते हैं, और इसलिए कोई ऊंचा है कोई नीचा है, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, भारत का संविधान इसके लिए किसी को सहमति नहीं देता है। हमारे यहाँ संप्रदाय वाद नहीं चल सकता है। हम धार्मिक लोग हो सकते हैं, सांप्रदायिक जुनून हमारे देश में कतई नहीं चल सकता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये मोटो रहा है सर्व पंथ समभाव, सभी पंथों के प्रति समभाव होना चाहिए। इसलिए मैं इस देश के सभी नागरिकों को कहता हूं, आप आश्वस्त रहिए, ये जातिवाद का जहर, ये संप्रदाय का जुनून भारत की प्रगति को रोकता है और ये हम नहीं होने देंगे। मोदी जी, आपने क्रिश्चियंस को, पारसियों को भरोसा दिलाया, क्या देश के मुसलमानों को भी ऐसा ही भरोसा दिला सकते हैं? इस देश का कोई भी व्यक्ति, भारत माँ का कोई भी लाल, उसको वो सारे अधिकार हैं जो नरेंद्र मोदी को है। किसी को आपसे डरने की जरूरत नहीं है? कुछ लोगों को तो डरना पड़ेगा। देश को लूटने वाले उनको डरना पड़ेगा, अन्याय करने वालों को डरना पड़ेगा, और मैं इस ये बात कहने से डरता नहीं हूं। सरकार, ऐसी नहीं हो सकती कि जिसमें जो मर्जी पड़े वो चले। कानून का राज होना चाहिए, लोगों को सुरक्षा का एहसास होना चाहिए, लोगों को अपने जीवन जीने का भरोसा होना चाहिए। ये नहीं है, यही तो मुसीबत है। और नहीं है उसका कारण है न कानून का डर है, न व्यवस्था का डर है, न अफसर का डर है। आपको घर में भी कुछ तो डिसिप्लिन रखनी पड़ती है, और डिसिप्लिन रखना गुनाह है, तो भारत की भलाई के लिए वो गुनाह भी मुझे मंजूर है। एक और ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी पर इल्जाम और सवाल आता है। सबसे ज्यादा पावर में कौन रहा? तो गाइस, ये वीडियो थी मोदी जी की जिसके ऊपर इन्होंने डिस्कशन की है, जो कि बेसिकली ये जो आज से तकरीबन 6 साल पहले इन्होंने जब वजीर आजम के लिए, पीएम के लिए जो है इन्होंने आए थे इलेक्शन में, तो उस वक्त, उससे पहले की ये सारी चीजें हैं जिसमें इन्होंने इंटरव्यू दिया था और डिस्कस किया था उन सारी चीजों के बारे में, अपनी थॉट्स के बारे में, जो क्वेश्चंस लोगों के माइंड में उसके बारे में, और काफी जो गवर्नमेंट की, कांग्रेस की पार्टी जो है वो कहती थी कि मोदी जी आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब जो नॉर्मली आपको देखने को मिलता है ऑपोजिट पार्टी को बुरा भला बोलकर, ताकि पब्लिक जो है वो उसको वोट ना करे।
तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन मोदी जी को मैंने इतना ऑब्जर्वेशन किया है कि इस वीडियो में हमें आइडिया हो रहा है कि उन्होंने आज से 6 साल पहले जो बातें कही थी वो आज सच हो गई। लोग उनसे डरते भी हैं क्योंकि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और उनसे लोग जो हैं वो जो उल्टा पुल्टा करते थे उनसे डरते हैं। बल्कि योगी जी जो हैं, योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो आए हैं, तो उसके बाद से लोग जो हैं उनसे भी डरना शुरू हो गए हैं। काफ़ी कंडीशन अच्छी हो गई है। जो चोरियां करते थे, जो मतलब के लोगों गुंडागर्दी करते थे, तो उन्होंने उनसे भी जान छुड़वा दी, सड़कें वड़कें बनवा दी। तो और उसके अलावा अब जो है पीएम मोदी जी जो है उन्होंने काफ़ी जो अपनी वीडियो में कहा था इस वीडियो में कि लोगों को मुझसे डरना होगा, कुछ लोगों को जो गलत करते हैं, तो वो लोग वाकई में डर रहे हैं उनके। अब वो चाहते हैं कि मोदी जी हट जाएं, और वही लोग हैं जो प्रोपेगेंडा जो है वो इकट्ठा करते हैं और आए दिन कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं। सो ये लोग वही हैं। और वैसे जो भी होगा, जो अच्छा है मोदी जी अच्छे हैं, पब्लिक जानती है, जनता जानती है कि ऐसा कुछ मोदी जी जो हैं वो गलत नहीं है। इसलिए लोग जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि वो जो नेगेटिव और प्रोपेगेंडा पीएम के खिलाफ कर रहे हैं उनको साइड उनकी बातों पर फोकस ना किया जाए, और ये बात सही भी है। और अगर हम बात करते हैं मोदी जी की, जैसे कांग्रेस जो उनके खिलाफ बोल रही थी और ये जो जो चर्च को जो है वो ख़त्म करने के लिए बोला जा रहा था कि टूट जाएंगे, लोगों के माइंड में चीज़ें आ रही थी बहुत सारी। चर्च के बारे में इनसे क्वेश्चन किया गया कि चर्च जो है वो तोड़ देंगे या फिर कुछ इस तरह का, तो ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने सबको इक्वल रखा हुआ है। और कुछ भी जो है वो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई है ही नहीं। और वाकई में मैंने भारत में ये चीज़ देखी है कि हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन किसी को नुकसान पहुँचाना या किसी को ऊंचा नीचा कहना ये मैंने कभी देखा ही नहीं है। और हालांकि मेजॉरिटी है हिंदुइज्म की, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी माइनॉरिटीज़ के ऊपर इस तरह से कोई इश्यू क्रिएट नहीं किया। बल्कि वहाँ पर तो माइनॉरिटीज़ का वर्ड भी उनके लिए इतना बुरा उनको फील होता है। सो खैर, ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी, मज़ा आया इनकी बातें सुनकर, काफ़ी अच्छे से आंसर दे रहे थे। और ये न्यूज़ रिपोर्टर वाले जो होते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग इस तरह से नेगेटिव पॉइंट क्यों दिखाते हैं, इस तरह की मतलब खबर कुछ और होती है अपने से चटपटा बनाकर लिख देते हैं और लगा देते हैं ताकि हमें अच्छी अच्छी जो है वो और ज़्यादा हमारी जो खबर है वो आगे जाए, लोग पढ़ें और ये वो हाईलाइट हो। तो लेकिन वही है, जो सही होता है वो सही होता है। तो मोदी जी ने जो आज तक किया है वो पब्लिक के सामने है, सो इस चीज़ पे मैं अप्रिशिएट करती हूँ मोदी जी को और इंडियन जनता को जिन्होंने इनको सिलेक्ट किया। सो खैर, ये थी हमारी आज की वीडियो गाइज, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और इस पर पार्ट 3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सो आप बताइएगा, उस पर हम पार्ट 3 भी बनाएंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज मी साइमा पीरज़ादा, बाय बाय।